सो हाई फ्रेंड्स, आई एम शुभ एंड यू आर वॉचिंग SR7 एंड्रोटेक। और फ्रेंड, आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ BGMI से रिलेटेड। और फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको दो दो इवेंट्स के बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब ये दशहरा वाला इवेंट आ जाएगा तो मैं इसकी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो ये वही डिटेल्ड वीडियो है। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है। सो फ्रेंड, इसके अंदर जैसे कि हमें एक फ्रेम मिल रहा है और एक UMP की स्किन मिल रही है, और दोनों के बदले आपको 500 लीव्स देनी होगी। तो ये वैसे देखने में काफ़ी ज़्यादा लग रही होंगी, पर अगर आप इसके उसमें जाओगे ना टास्क में, तो उसमें भी काफ़ी सारी हमें लीव्स मिल रही हैं। तो अभी इस वाले में चलते हैं, लीफ स्टनिंग लाइट वाले में। इस वाले में चलते हैं और इसमें दिखाता हूँ क्या क्या हमारे टास्क है। सो फ्रेंड, लीफ स्टनिंग लाइट वाले सेक्शन में हमें 3 टास्क देखने को मिलते हैं, जिसमें बहुत ही जो बिल्कुल ही सिंपल है, जिसके अंदर आपको स्टन ग्रेनाइट यूज़ करना है। सो फ्रेंड, पहला जो टास्क है उसमें ये है कि आपको 5x स्टन ग्रेनाइट यूज़ करना है। दूसरा टास्क है उसमें आपको 10x स्टन ग्रेनाइट यूज़ करना है। और जो तीसरा टास्क है उसको अंदर आपको 20x स्टन ग्रेनाइट यूज़ करना है, और वो भी क्लासिक मैचेस में आपको ये स्टन ग्रेनाइट यूज़ करना है। सो फ्रेंड, आपको सिंपली मैच खेलना है क्लासिक वाले, उसके अंदर जैसे ही आपको स्टन ग्रेनाइट मिले तो उसे बस फेंक देना, यूज़ हो जाएगा वो। और अगर आपने ये टोटल 20x कर लिया तो आपके तीनों टास्क पूरे हो जाएंगे और आपको टोटल 450 लीव्स मिल जाएंगी, और लीव्स मिल जाएंगी आपको। और इसके अंदर ये काफ़ी सही है, और ये रिफ़्रेश नहीं होते, ये रिफ़्रेश नहीं होंगे, ये सिर्फ वन टाइम वाले हैं। एक बार आपने इन टास्क को कर लिया तो ये फिर रिफ़्रेश नहीं होंगे। और इसमें से हमें काफ़ी सारी लीव्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि 450 का राउंड। और अगर आपने 50 लीव्स और कलेक्ट कर ली तो आप एक चीज़ तो मतलब पहले दिन तो नहीं कर पाओगे, दूसरे दिन ही आप रिडीम कर पाओगे। सो फ्रेंड, इसके अंदर एक और सेक्शन है जहाँ से आप ये लीव कलेक्ट कर सकते हो, वो है ये डिफीट दी ईवल डेली मिशन, ये वाले हैं। इसके अंदर आपको डेली मिशन मिलेंगे, तो अभी इस वाले सेक्शन में चलते हैं। सो फ्रेंड, इस सेक्शन में आपको 2 टास्क देखने को मिलते हैं और ये रोज़ रिफ्रेश होंगे। इसमें ये भी थोड़े सिंपल से हैं, बस इसमें ये नहीं पता ये हमें क्लासिक मोड में करना है या फिर TDM में भी हो जाएंगे, तो आप वो चेक कर लेना। जहाँ तक ये क्लासिक मोड के ही होंगे, क्योंकि तीन और पाँच किल करना तो उसमें काफ़ी ईजी है TDM में, तो जहाँ तक ये क्लासिक मोड के ही होंगे। सो फ्रेंड, आपको सिंपली इसमें 3 किल करने हैं एवरीडे, और जो सेकंड टास्क है उसमें 5 किल करने हैं एवरीडे। तो आप टोटल 5 किल्स करोगे तो आपके दोनों टास्क पूरे हो जाएंगे, और इसके अंदर आपको 40 लीव्स देखने को मिलेंगी। तो अगर आप ये टास्क रोज़ पूरे करते हो तो आपको डेली 40 लीव्स मिलेगी, और ये जो इवेंट है 20 डेज चलने वाला है। तो अगर आप 40x20 करोगे तो टोटल हमारे कितने बैठ जाते हैं, 40x20 करोगे तो 800 लीव्स हमें इसी टास्क से मिल जाएंगी, और 450 लीव्स हमें उससे मिल जाएंगी। तो टोटल लीव्स हमारी हो जाएंगी 1250। सो फ्रेंड, हम ये दोनों आइटम रिडीम कर पाएंगे फिर, तो इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप दोनों ही रिडीम कर सकते हो, फ्रेम भी और ये UMP की स्किन भी। बस आपको क्या करना है, आपको बस ये सारे टास्क पूरे करने हैं, डेली वाले भी और जो वन टाइम वाले हैं वो भी। तो फिर आपको 1250 लीव्स मिल जाएंगी टोटल, और उससे फिर आप ये तो रिडीम कर ही लोगे, फ्रेम और UMP की स्किन, उसके साथ साथ आप और भी चीज़ें रिडीम कर लोगे, जैसे कि वो स्क्रैप कूपन है, AJ करेंसी है, ये सभी रिडीम कर पाओगे। सो फ्रेंड, आज एक और इवेंट है, और इस इवेंट का नाम है एलन वोकर लॉगिन इवेंट 1, और इसमें हमें टोटल 10 दिन लॉगिन करना है। तो अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जब आप डे 1 में लॉगिन करोगे तो आपको ये म्यूज़िक मिलेगा, और जब आप डे 2 लॉगिन करोगे तो आपको एक BP क्रेट मिलेगी, और जब आप डे 3 लॉगिन करोगे तो आपको एक क्लासिक क्रेट स्क्रैप मिलेगा, और जब आप डे 4 लॉगिन करोगे तो आपको 200 सिल्वर कॉइंस मिलेंगे। जब आप डे 5 पे लॉगिन करोगे तो आपको एक बहुत ही मस्त चीज़ मिलने वाली है, ये एक एलन वॉकर का जो है पॉपुलैरिटी है, और इस पॉपुलैरिटी की जो वैल्यू है, जो वेटेज है, वो है 12,000 की वेटेज है। और अगर आप इसे शॉप में जाके देखोगे तो ये 500 UC की है, मतलब ये जो पॉपुलैरिटी है 500 UC की, जो कि हमें फ्री में मिल रही है, पर ये खाली हमें नवंबर तक हमारी इन्वेंट्री में रहेगी, क्योंकि ये टाइम लिमिट के लिए है, ये परमानेंट नहीं है, टाइम लिमिट के लिए है। तो आप नवंबर से पहले अपने किसी फ्रेंड को सेंड कर देना, या आप एक्सचेंज मान लेना। और डे 3 पे हमें फिर से BP, वो डे 6 पे, सॉरी डे 7 पे फिर हमें सिल्वर कॉइन्स, डे 8 पे हमें फिर से स्क्रैप कूपन मिल रहा है, और डे 9 पे हमें फिर से सिल्वर कॉइन। और फ्रेंड, जब हम डे 10 पे लॉगिन करेंगे तो हमें एक एलन वॉकर की कैप मिल रही है, जो कि टेम्प्ररी है, इसे परमानेंट दे देना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो क्योंकि एक ही चीज़ दे रहा है ये एलन वॉकर की इसमें, और वो भी टेम्प्ररी, और ये 7 डेज के लिए है टेम्प्ररी जो है ये। तो फ्रेंड, ये कैप तो काफ़ी सही है, इसे परमानेंट दे देना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, पर इसे भी इन्होंने टेम्प्ररी दिया है, और ये अभी 7 डेज के लिए है। और ये लॉगिन इवेंट 1 है, अभी लॉगिन इवेंट शायद 2 भी आएगा इसका, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। तो अभी एक दो इवेंट और आएंगे एलन वॉकर के, तो उसमें देखते हैं हमें कुछ परमानेंट देखने को मिलता है या नहीं।
सो फ्रेंड इस म्यूज़िक को अगर आपको लगाना है जो एलन वॉकर का आज मिला है, तो आपको सिंपली इस म्यूज़िक वाले आइकन पे जाना है यहाँ पर। ये आपको इन्वेंट्री में नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे आके म्यूज़िक वाले सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद ये देखो लिखा हुआ यहाँ पे एलन वॉकर पैराडाइज, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और बस ये आपका लग जाएगा यहाँ पे। फिर आप क्रॉस पे क्लिक कर देना और ये म्यूज़िक आपका सेट हो जाएगा। ये जो आपका स्पेस है यहाँ पर आपका सेट हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड आप फिर जब भी वहाँ जाया करोगे तो आपके ये गाना सुनाई देगा। सो फ्रेंड फिलहाल वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।